नमस्कार, एक्सलाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दिखी। लोकसभा चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं और एनडीए की सरकार बन भी चुकी है, लेकिन इस बार बीजेपी पार्टी व्हील चेयर पर है और तमाम जो दल हैं वो कहीं ना कहीं इस व्हील चेयर को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है। पहले खबर आ रही थी कि टीडीपी पार्टी नाराज है, उसके बाद खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज है, मतलब कि जेडीयू पार्टी, और अब खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो है वो अब एनडीए से नाराज है। कारण ये है कि महाराष्ट्र की 7 सीटों को एकनाथ शिंदे ने लाकर झोली में डाल दिया एनडीए की, उसके बावजूद भी कोई बड़ा पद यहाँ पर एकनाथ शिंदे की पार्टी को नहीं मिलता नजर आता है। ऐसे में देखिए नाराजगी तो बिल्कुल बनती है। जहाँ एक तरफ अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट पर जीत दर्ज करती हैं, उसके बावजूद भी उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। चिराग पासवान 5 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं बिहार में और उन्हें मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन एकनाथ शिंदे 7 सीटें एनडीए की झोली में डालते हैं लेकिन उनकी पार्टी को कोई बड़ा पद नहीं मिलता है। तो वाकई में शॉकिंग वाली बात है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो भी कोशिश करता नजर आ रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो आकर इंडिया गठबंधन का दामन थामे और सरकार बनवा दे। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है माही। माही बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल आपसे यही लेना चाहेंगे, क्या स्थिति आप यहाँ पर देख रही है? क्या एकनाथ शिंदे बगावत करते नजर आ सकते हैं एनडीए के साथ और इंडिया गठबंधन में जाकर जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी उनको बनाया जा सकता है, क्या उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए तनुज, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं और उनके बेटे भी ये बात क्लियर कर चुके हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं है और हम ये गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, जो गठबंधन है हमारा अटूट है। ऐसे में अगर आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू को वहां मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ही बनाती है कहीं ना कहीं, तो ये समझौता भी तो इनके साथ हुआ है। जब एकनाथ शिंदे की सरकार में टूट पड़ी थी, एकनाथ शिंदे की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनवाई थी, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे जो गठबंधन है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आज इन्होंने उनकी हेल्प की तो फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके पहले बहुत हेल्प की है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आसानी से इतना गठबंधन टूट सकता है। और रही पीएम बनाने की बात, तो वो पीएम पद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हलवे की तरह बांटती हुई नजर आ रही है कि आप भी ले लीजिए, आप भी ले लीजिए। इसके पहले नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए बोला जा रहा था, फिर मायावती को बोला जा रहा था, फिर इसके बाद नीतीश कुमार को फिर से देखिए ऑफर दिया गया। ऐसे में लालू प्रसाद यादव, खड़गे, कितने तमाम ऐसे नाम निकल कर बाहर आए, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे को पीएम बना दिया जाएगा और वो इतनी आसानी से इस पार्टी में आ जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट में जो कॉन्फ्लिक्ट है इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, ना बीजेपी इतनी आसानी से खत्म होने देगी। जी वाकई में बात तो आप ठीक कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे तब तेवर कुछ और थे, लेकिन अब तेवर कुछ और नजर आ रहे हैं, तो संकेत तो यहाँ पर दे रहे हैं, क्या दिखाई देता है आपको? देखिए संकेत तो दे रहे हैं और बात भी अपनी कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जो संकेत है, जो 7 उनके पास सांसद हैं, वो उनकी सुगबाहट है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है और वो इस बात का आवाज उठा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल जिस तरीके से नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में तनुज मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे और उनके बेटे जो है उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन जब 7 सांसद आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। और ऐसे में उद्धव ठाकरे वही है जिनके साथ एकनाथ शिंदे का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अगर फिर से वो इंडिया गठबंधन का रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों शिवसेना एक साथ मर्ज करना पड़ेगा और एकनाथ शिंदे वो नहीं चाहेंगे कि अगर आज उनको सातिर पने से उनके इंडिया गठबंधन में बुला लिया जाता है तो कल वो उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी बड़ी होने का दावा पेश कर सकते हैं, तो उनके लिए एक रिस्क की बात हो सकती है। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे यहां पर क्या कुछ करते नजर आएंगे, क्या इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे, क्या एनडीए साथ बगावत करेंगे, ये सब देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प यहाँ पर होने वाला है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कंफर्म है कि इस बार एनडीए की सरकार जो है कहीं ना कहीं दूसरे तमाम दलों पर डिपेंड होती नजर आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।